भाजानुलंबित भुजौ कन्यकावदातौ संकीर्तनय कवितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै किन्तास्ति कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्द नमस्ते चरणारविन्दम् हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्भरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट युग्म सुमति रघुनाथ दास श्रीजीव मे कुरुत मन्दमतीर्दयाङ्गभरा तमादिदेवं करुणानिधानम् तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सहितो भजामहे भागवतं स्वरूपं जगन् प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातरभाजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमाणतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरे श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द सभी बार हाथ उठा कर बोले बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्री माधु भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य को। संतों ने एक सुंदर विचार दिया है, अगर किसी ग्रंथ की महिमा को समझना चाहते हो उसको चार दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। कहते भागवत ग्रंथ की कितनी महिमा क्यों है, क्या कारण है। कहते पहला नंबर है, ये भागवत कथा कौन सुन सकते है? अगर कोई बोले हम तो बहुत बड़े पापी है, क्या ये भागवत कथा सुनने का हमारी अधिकारी है? इसलिए कल हम लोगों ने श्रवण किया है, धुंधुकार जैसे कोई इतने बड़े पापी हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति है गया में भगवान के चरण का चिन्ह है। एक बार कोई गया में जाए
अपना पितृ पुरुष का उद्देश्य में एक बार केवल पिंड प्रदान कर दे, उसको उद्धार हो जाता है, पाप से मुक्ति हो जाती है। लेकिन जब गोकर्ण ने देखा ये धुंधुकारी प्रेत बना हुआ, बोले तेरे नाम पर मैंने गया में पिंड दी, तेरे को मुक्ति नहीं मिली। बोले भैया मैंने एक बार क्यों, मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। मैं इतना बड़ा पापी हूँ, लेकिन इतने बड़े पापी को मुक्ति कैसे मिले? बोले भागवत कथा से। अगर किसी तरह से आप आकर के केवल ये भागवत कथा में बैठ जाए, आप जितने बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो, आपको ये भागवत मुक्ति प्रदान करते हैं, भागवत गति प्रदान करते हैं। फिर कथा कौन सुन सकते हैं? बोले पापी से पापी भी कथा सुन सकते हैं। अगर कोई बोले हम क्या कम जानते हैं, अरे कितना बार भागवत सुन चुके, कितने हम वेद वेदांत पुराण को हमने बहुत बार पढ़ के और सुन चुके हैं, हमें किसी चीज सुनने का जरूरत नहीं। बोले आप श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने बड़े ज्ञानी कभी बन ही नहीं सकते, जिन्होंने मातृगर्भ में 16 साल तक उन्होंने रहे, गर्भ में बैठ बैठ करके भजन कर रहे थे, और जन्म लेते ही वो ब्रह्म ज्ञान बनकर के चले गए। इतने बड़ी ज्ञानी थे जिसने भागवत कथा की बताई। लेकिन इतने बड़े ज्ञानी होते हुए भी आगे हम सुनेंगे, जब इनकी कानों में भागवत का केवल एक श्लोक उनको कान में पड़ गया, भागवत कथा में इतने रस है, इसमें इतने आनंद है, सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्म ज्ञानी भी पागल हो गए एक कथा सुन करके, और उन्होंने सब कुछ छोड़ करके उन्होंने ये पूरी भागवत कथा को श्रवण की। इसका तात्पर्य यह है, एक ज्ञानी से ज्ञानी क्यों नहीं हो तब भी ये भागवत कथा सुन सकते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले राम कथा जय सुना तब सुनने का जरूरत नहीं। बोले भैया जो ऐसे बोलते हैं ना, वो रस है क्या चीज उसको बताएं। हमारे संप्रदाय में एक संत एक बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं, बोले तुंडे तांडव निमित्त मित नुते तुंडा बलि लभै करना करो कड़ बिनि भटते करना बुधेव स्प्रिया चेता प्रागण संगिनी रचयते सर्वे इंद्रियाणां कृति नौजाने जनित किम अद्भुत कृष्णे वर्णन। इसका मतलब है कि जो कृष्ण ये जो दो अक्षर है परमात्मा ने इसमें कितने नारायण रस भर दिए। जब ये कर्ण में प्रवेश करता है वो ब्रह्मा को निंदा करता है, ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आता ही नहीं। इतने सुंदर कृष्ण नाम को सुनने के लिए क्यों दो ही कान क्यों दे दिया, उनने करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं दे दिया। बोले जीवा में जब कृष्ण नाम उदय होता है कहते एक ही जीवा दे दिया कृष्ण राम नाम लेने के लिए, ये करोड़ों करोड़ों उन्होंने जीवा क्यों नहीं दिया। जब हृदय में प्रवेश करता है लता मान रस की धारा जैसे बरस रही है। इसलिए श्री पृथ्वी महाराज जी को
जब बोले तुम वरदान मांगो है, तब पृथु महाराज कहते बोले प्रभु मेरे को 10,000 कान दे। बोले 10,000 कान लेकर क्या करोगे, दो कान तो बढ़िया दिख रहा है, अगर यहाँ दो का यहाँ सारा शरीर में अगर कान ही कान हो जाए अच्छी लगेगी। फिर आप 10,000 कान क्यों प्रार्थना करते हो, बोले प्रभु जहां जहां कथा हो रही है मैं वहां वहां उतना स्वरूप पर लेकर के तुम्हारी कथा सुनना चाहता हूँ, कहीं की कथा चुप नहीं जाए, ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है कान तो दो ही हो लेकिन ये दोनों कान में कथा सुनने की इतने शक्ति हो जितने शक्ति 10,000 कान में रहता है। इसलिए भगवान की जो कथा में इतने रस है, इतने रस है जितने सुनो लगता है जैसे हम सुनी नहीं कभी जिंदगी में कथा। अगर एक टाइम रोटी नहीं मिले ना, खाना नहीं मिले, हाय रोटी, दिन भर रोटी का मुंह नहीं देखा, हम कहते हैं क्या रोटी में इतना रस है, भगवान कथा में रस नहीं है। इसलिए कथा कौन सुन सकते हैं, कहते पापी से पापी भी हो ये कथा सुनने से उन्हें भी भागवत कथा मुक्ति प्रदान करती है, और ज्ञानी से ज्ञानी क्यों नहीं हो उनको भी ये भागवत कथा रस प्रदान करते हैं। मतलब कथा सबके सब कथा सुन सकते हैं, किसके लिए मना नहीं, सबके लिए कथा अधिकारी सभी है। कहते भैया ये जो भागवत कथा में विषय वस्तु क्या है, कभी यहाँ पर कोई साधारण विषय नहीं, बड़ी हाई फाई विषय है। कहते आराध्य भगवान ब्रजेशतनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित् उपासना ब्रजवधो वर्गीन जा कल्पिता। बोले भागवत में विषय वस्तु क्या है, बोले बड़ी हाई फाई है, दुनियादारी की कोई बात नहीं भागवत में, केवल भगवान की चर्चा, भगवान कृष्ण की कथा जिसमें है, और इधर उधर की बात नहीं। बोले भैया भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, बोले यद्यपि कृष्ण का भक्ति तो सब भक्तों ने की है लेकिन गोपियों ने जैसे भगवान को प्रेम की ऐसे प्रेम और कोई नहीं की। इसलिए उद्धव जैसे व्यक्ति, कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ भक्त श्री उद्धव जी, जब उन्होंने ब्रज में आए और ब्रजवासियों को प्रेम को उन्होंने देखा, फिर गोपियों के प्रेम को, जब श्री राधा रानी को प्रेम को देखे, कितना उद्धव शुद्ध हो गयो, सुनी गोपियों की बोल, ज्ञान बजाई डुबडुबी और बजे प्रेम की ढोल। जहां पर उद्धव जैसे व्यक्ति भी जी गोपियों की प्रेम को देख करके हो गए और कहते असा मह चरण रेणु जुसांग महं श्याम वृंदावन किमपि गुल्मलतो सधिना। उद्धव जैसे व्यक्ति कहते हैं प्रभु क्या कभी ऐसे सौभाग्य होगा, बोले क्या सौभाग्य प्रार्थना करते हो, बोले ब्रज वृंदावन में मैं यहाँ के घास बन जाऊं, गुल्म बन जाऊं, घास बन जाऊं। बोले घास क्यों बनना चाहते हो, बोले गोपियां जब श्रृंगार करके कृष्ण को साथ में मिलने जाएगी उनको तो चल करके जाना ही पड़ेगा, अगर हम घास बन रहेंगे तो उनकी चरण की धूल हमें मिल जाएगी। दूसरे चीज प्रार्थना करते हैं वहां की लता पता बन जाए, बोले लता क्यों बनना चाहते हो, बोले प्रमद मदन लीला कंदर कंदर भगवान कुंज कुंज में मीठी मीठी प्यारी लीला करते हैं, अगर वहां की लता पता बनो तो प्रभु लीला दर्शन हो जाए। तीसरे चीज प्रार्थना करते हैं औषधि, वहां की औषधि वृक्ष बन जाए, बोले औषधि वृक्ष हम चाहते हैं, बोले अगर कभी ये बीमारी में पड़े दवा तो लेंगे आयुर्वेदिक दवा लेंगे, फिर अगर दवा बन जाए ना फिर इनके हृदय में चले जाऊंगा। इसलिए उद्धव जैसे व्यक्ति ब्रज की गुल्म लता औषधि वृक्ष रूप में जन्म लेना चाहते हैं। इसलिए भागवत में जो विषय वस्तु है ना बड़ी हाई हाई विषय वस्तु है, साधारण कथा भागवत में नहीं। अभी तीसरी पॉइंट आता है भैया कथा सुने कहाँ से, तो उसके लिए उदाहरण दिए कथा केवल वैष्णव कथा सुननी चाहिए, क्योंकि जो भागवत को बताया जत वैष्णवानां प्रियम, ये वैष्णव का धन ये भागवत है, भागवत बताया जहां तहां से कथा।
सामक सुना करो ना कर दिया। जैसे समुद्र मंथन से वहां बीज भी निकला और समुद्र मंथन से अमृत भी निकला, दोनों चीज ये समुद्र मंथन से निकली, लेकिन अमृत मिला किसी को? बोले ठाकुर ने दैत्यों को महीन रूप लेकर उनको वंचित कर दिया, और अमृत किसको दे दिया? बोले देवता को अमृत दे दिया। इसलिए अगर हम वैष्णव से कथा सुनेंगे, अरे हमें भागवत से कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, कृष्ण प्रेम हमें प्राप्ति होगी। अगर ज्ञानी योगियों से सुनेंगे तो फिर हमें भक्ति नहीं, फिर हमें ज्ञान कर्म योग भोग का तरफ मिल जाएंगे, हमें भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। जैसे उदाहरण दिया, दूध पीने से क्या होता है? खुदा निवृत्ति होगा, शरीर में पुष्टि मिलेगी, ताकत मिलेगी, लेकिन वही दूध है अगर सांप अगर मुंह मार दे तो देखने के लिए लगता लगेगा तो दूध है, लेकिन अगर दूध को पियो तो वो मरने का कारण बनता है। इसलिए कहते हैं अवैष्णव मुखत गृणम पुतम हरि कथा मृतम सगण एव नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट यथा भय। जैसे दूध में सांप मुंह मारने पर देखने दूध है लेकिन पीने पर मृत्यु का कारण बनती है। अगर हम वैष्णव को छोड़ करके जो ज्ञानी कर्मी योगी भोगियों को अगर कथा सुनेंगे तो फिर भागवत हमें भागवत प्रेम नहीं देगा, फिर तो दुनियादारी बंद देकर हमें वंचित कर देगा। इसलिए कथा कहाँ से सुननी चाहिए? बोलिए वैष्णव लोगों से कथा सुननी चाहिए, तब हमें हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसे कल हम लोग जो कथा सुन रहे थे, कहिए पद्म पुराण की कथा हम लोग सुनी, कहते श्री स्कंद पुराण में भी बड़ा सुंदर सुंदर कथा थी, थोड़ी सी उसको भी सुन लेते हैं। बोले जिस समय भगवान कृष्ण संसार छोड़ करके चले गए, माता कुंती ने देखा जब कृष्ण ही चले गए फिर ये शरीर रख कर क्या हुआ? क्योंकि जो मैया कुंती का जो प्राण कृष्ण का प्राण था, कुंती मैया उसी समय शरीर डाल गई। पांडवों ने जब देखा कृष्ण ही चले गए फिर रह करके क्या लाभ है? उन्होंने हस्तिनापुर का राजा बना दिया श्री हरि को, अब वृंदावन का राजा बजराम को बना करके ये भी अपना सदगति के लिए चले गए। एक दिन से परीक्षित महाराज वृंदावन में बजरनाम से मिलने के लिए आए। बोले बेटा बजरनाम सब कुशल मंगल है ना, बोले आपका आशीर्वाद से सब कुशल मंगल तो है, लेकिन मन बड़ा उदास है। बोले क्यों? बोले वृंदावन में कोई है ही नहीं, क्योंकि जब भगवान कृष्ण गए वो धाम समेत आते हैं और धाम को लेकर के प्रभु चले जाते हैं, वहां गए कीड़े मकोड़े तक भी नहीं थे, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष को मर मर ना जाने कोई, और डाल डाल और पत्ते पत्ते में सिर राधे राधे, वहां के वृक्ष लता बता कोई साधारण वस्तु नहीं, भगवान पूरा के पूरा को लेकर चले गए। बोले ब्रज में कोई है नहीं, इसलिए मेरा मन बड़ा उदास है। लेकिन परीक्षित महाराज को पता है भगवान की दो तरह का लीला है, एक दिव्य लीला है और एक व्यवहारिक लीला है। साधारण रूप में दिखाई पड़ता है कृष्ण तो चले गए, लेकिन उनको जो वास्तविक जो लीला है ना, कृष्ण कहीं भी नहीं है। कृष्ण कहते हैं वृंदावनम परित्यज पाद एकम न गच्छामि, मैं तो वृंदावन छोड़कर एक कदम भी कहीं बाहर जाता है, मैं नित्य वृंदावन में निवास करता हूँ। बोले ये रहस्य को कौन जानता? बोले सांडिल्य ऋषि जो कि नंद बाबा के जो पुरोहित, इनको ये बाहर रहस्य पता है। तब उन्होंने श्री सांडिल्य ऋषि को बुलाए, बोले आप कृपा करके ये वृंदावन धाम की थोड़ा महिमा इनको समझा। बोले देख बज्र, कृष्ण तो एक स्वरूप में चले गए लेकिन दूसरे स्वरूप में अभी कृष्ण पूर्ण रूप में है, लेकिन ये लीला को कौन देख सकता है? बोले जिनको आंखों में काम क्रोध लोभ मोह की अंजन वो नहीं देख सकते हैं, उनको वही देख सकते हैं जिन्होंने आंखों में कृष्ण प्रेम रूपी अंजन को लगाया। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं बोले प्रेमांजन
प्रचुरित भक्ति विलोजनेन संतः सदैव हृदयस्तु विलोकयन्तं जं श्याम सुन्दरं चित्त गुण स्वरूपं गोविंदं मादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं इन आंखों में प्रेम रूपी अंजन काजल लगाओ, फिर वृंदावन में तो कृष्ण ही कृष्ण ही कृष्ण ही कृष्ण देखोगे। इसलिए बोले भजना प्रेमाजन चक्षु में भगवत दर्शन होता है। इसलिए कृष्ण कहीं नहीं गए, अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में वृंदावन में है। पूर्ण रूप में वृंदावन में आप लोग कौन कौन गए हो? वृंदावन हाथ उठाओ तो, वृंदावन कौन कौन गए हो? कौन कौन वृंदावन गए? दो चार व्यक्ति गए हो। वृंदावन में दो वन है, एक निधु वन और एक निकुंज वन, दो वन वृंदावन। वहां एक आश्चर्य घटना होता है, वहां पर शाम होते ही वहां पर जो बंदर तक वो जंगल छोड़कर के चले जाते हैं। वो जंगल में एक सुंदर मंदिर है जिसमें ठाकुर जी को फूल की सजा लगाते हैं, लोटे में पानी रख लेते हैं, लड्डू रख लेते हैं, दांतन रख लेते हैं। सवेरे जाकर के देखो ऐसे लगेगा मानो जैसे कोई आके ये पुष्पों की सजा के ऊपर में कोई लेट गिरेगा। कभी लोटे में पानी नहीं मिलेगी, कभी लड्डू नहीं मिलेगी। अगर कोई सोचे हम जोर जबरदस्ती यहाँ रह करके प्रभु का लीला दर्शन करना चाहते हैं, वो तो मर जाएगा नहीं तो शरीर छूट जाते हैं। क्योंकि प्रभु की लीला दर्शन करने का बाद वह व्यक्ति प्रभु की ऐसे दिव्य लीला है उसको व्यक्त करने की शक्ति नहीं रहती, वो गुंगा बन जाता है, नहीं तो वो शरीर छोड़ देता है, कोई रह नहीं सकते वो बन में। इसलिए अभी भी वहां पर ठाकुर जी लीला चल रही है। वृंदावन में एक स्थान है जिसका नाम झाड़ू मंडल है। एक समय कोई एक संत वृंदावन में भजन करने के लिए आए। गुरु जी ने कहा देख बेटा जब तक सेवा नहीं करोगे ना तब तक विवाह नहीं होता, जाओ विधुवन कुंज वन में झाड़ू लगाओ। अभी भी राधारानी सखियों के साथ में लीला करते हैं। अभी वो सब रोज जा करके वृंदावन धाम में सुंदर सुंदर झाड़ू लगाते हैं और राधारानी की बड़ी सुंदर सुंदर कीर्तन करता है और रो रो करके प्रार्थना करते हैं कि स्वर्गीयो हे राधा रानी कब मेरे ऊपर में आपकी कृपा हो। एक दिन राधा रानी उसको दर्शन देने के लिए जानबूझ करके अपना चरण की जो नूपुर था उन्हें छोड़ कर गए। तो वो संत वहां पर आए, जंगल में देखा चमचमाए हुए एक सोने की नूपुर, उनको प्रणाम किया और लेकर के अपना गुरु जी को दिखाया। गुरु जी का नाम था जीव गोस्वामी, महाप्रभु का भक्त था, चरण महाप्रभु के। बोले गुरुदेव हम झाड़ू लगाते लगाते एक चरण के हमें नूपुर मिला है, लेकिन गुरु जी साधारण थे ही नहीं। बोले बेटा ये राधा रानी की चरण की नूपुर है, राधा रानी के दर्शन देने के लिए बहाना बनाया। देखो कोई आईना उसको लेने के लिए देना नहीं, बोलना जिनके चरण की नूपुर वो स्वयं आए और अपना हाथों से पहना। अभी ललिता विशाखा आए, बोले बाबा बाबा हमारी घर की बहू यहाँ पर फूल चयन करने के लिए आई थी, कहीं चरण की नूपुर घूम गया, तेरे को क्या मिला है? बोले हाँ मिला है, दे दो। बोले नहीं, जिनकी चरण की नूपुर वो स्वयं आए। इतने में जाकर के राधा रानी को बोले राधे वो बाबा तो ध्यान नहीं रहता है, वो कहता है जिनका चरण की नूपुर वो स्वयं आए। राधा रानी बोले उनको बोलो ये घर की बहू है वो ऐसे नहीं आएगी, पहले तुम आंखों को ऊपर में काला पट्टी बांधो फिर वो आएगी। बोले कोई बात नहीं। तो वो स्वयं राधा रानी वहां आती है और वो संत अपना हाथों से राधा रानी के चरण में उन्होंने नूपुर पहनाया और राधा रानी की चरण की स्पर्श होने पर उसकी रोम रोम खिल उठा, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग गया और राधा रानी की चरण को पकड़ कर ये बोले हे राधे जब आप इतने दूर तक मेरे ऊपर में कृपा की हो मुझे दर्शन दो। तब राधा रानी आंखों को ऊपर से काला पट्टी खोल दिए, तब उन्होंने राधा रानी को स्वयं दर्शन किए। बोले श्रीमती राधा रानी की। तब राधा रानी पहले उनका नाम था दुखी कृष्णदास, फिर राधा रानी
उनका एक नया नाम दिया, बोले श्यामानंद नाम दिया। और अपना नूपुर से उनका जो तिलक था वो तिलक को बीच में उन्होंने एक नूपुर में एक नूपुर का चिन्ह काला बिंदु लगा दिया। अगर आप वृंदावन में जाओगे एक ठाकुर है जिनका नाम राधा श्याम सुंदर है, अभी भी वो ठाकुर जी ये तिलक को बीच में वो जो नूपुर का चिन्ह राधा रानी पहना दी थी, अभी ठाकुर भी स्वयं को चिन्ह को धारण करते हैं। इसलिए सांडिल ऋषि ने कहा देख बेटा कृष्ण कहीं भी नहीं गए, अभी भी पूर्ण रूप में राधा रानी है और कृष्ण है। लेकिन अगर ऐसे भजन करोगे ना भगवान तुम्हें दर्शन से गए। हम बोलते ना कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तो बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तो खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान हंसते नहीं, बोले ब्रज गोपियां जैसे तो नचाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तो सुलाते नहीं। भगवान सब कुछ करते हैं लेकिन हम ऐसे भक्त बने तो सही, फिर ठाकुर हमारे लिए भी सब कुछ करेंगे। इसलिए श्री बज्रनाथ जी को ने समझाया बेटा कृष्ण कहीं नहीं गए, अभी भी पूर्ण रूप में कृष्ण भी गए, कृष्ण कहीं नहीं गए। अगर कोई ऐसे भक्त भजन करते हैं ठाकुर जी अभी भी उनको दर्शन देते हैं। ठाकुर जी बोले अगर तुम भगवत अनुभूति को प्राप्त करना चाहते हो एक काम करो, कृष्ण तो चले गए, अभी धीरे 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 उनकी जो लीला भी अंतर ध्यान होते जा रहा है, इसको पता नहीं कृष्ण कहां पर गैया चराए कहां पर रास किए। तुम एक काम करो, तुम जाकर के ये लीला स्थलियों को तुम प्रकाशित करो, ठाकुर जी को प्रकाशित करो, फिर भगवान की कृपा होगी। तुमने वृंदावन में जो जो जगह अभी स्थान देखोगे कृष्ण जैसे जैसे लीला की थी उन्होंने ठीक वैसे ही, किसका नाम नंदगांव, किसका नाम बरसाना, किसका नाम कोसी, का नाम जावट, उन्होंने सब नाम को रखे। ठाकुर जी जैसे जैसे लीला की थी और विशेष करके उन्होंने तीन ठाकुरों ने प्रकाशित किया है, एक गोविंद, एक गोपीनाथ और एक मदन मोहन। ये तीनों ठाकुर को उन्होंने प्रकाशित किया है। कहते उनकी जो दादी थी कहते उत्तरा, जो अभिमन्यु की जो पत्नी थी वो दादी आपको बड़े सुंदर सुंदर, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को दर्शन किए, कृष्ण की प्यारी 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 कथा सुनाया करते थे। एक दिन बज्रनाथ ने कहा दादी जी हमारा जो कृष्ण थे थोड़ा कृष्ण को दर्शन करा दोगे, जिनकी इतने प्यारी प्यारी कृष्ण की कथा सुनाते हो। बोले कृष्ण तो चले गए लेकिन उनकी मूर्ति बना करके मैं दर्शन करा सकते। तो उन्होंने अच्छे अच्छे मिस्त्रियों को बुला करके बोले एक कृष्ण मूर्ति बनाओ। उसने दर्शन की थी उनकी मुखारविंद कैसे, उनकी वक्र स्थल कैसे, उनकी चरण कमल कैसे उन्होंने बना की। मिस्त्रियों ने सारे उनकी कलाओं को लगा दी, एक सुंदर मूर्ति बनाई। बोले देखो आपने जैसे बताया ये कृष्ण वैसे की नहीं, बोले देखो ये मूर्ति में केवल कृष्ण का मुख कमल आया, उनकी वक्र स्थल और चरण कमल नहीं आया। कहते जिस विग्रह में केवल उनकी मुख कमल आई उनका नाम रख दिया गोविंद देव। अगर आप लोग जयपुर जाओगे ना सब ठाकुर दर्शन मिलेगा। दूसरे ठाकुर जी बनाए, बोले बताओ कैसे हुआ, बोले इसमें केवल वक्र स्थल आया उसका नाम रख दिया गोपीनाथ। बोले और एक विग्रह बनाए, बोले देखो हुआ कि नहीं, बोले इसका केवल चरण कमल आया इनका नाम रख दिया मदन मोहन। पहले ये तीनों ठाकुर वृंदावन में थे लेकिन औरंगजेब जब आक्रमण किया कि मुसलमान राजा, तब राजा मानसिंह जो जयपुर में रहता था ये बड़ा कृष्ण भक्त था, इन्होंने सारे ठाकुर को वृंदावन से ले गए, जयपुर ले गए वृंदावन से। लेकिन अभी जयपुर में दो ठाकुर हुए, एक गोविंद एक गोपीनाथ। लेकिन जो मदन मोहन एक ठाकुर जी वो अभी कौल में रहते हैं। अगर कभी जयपुर जाओ जरूर ये ठाकुर को दर्शन करना। कहते गोविंद देव को दर्शन करोगे कृष्ण का मुख कमल दर्शन का फल मिलेगा, किसी गोपीनाथ को दर्शन करोगे कृष्ण का चरण वक्ष दर्शन करने का फल मिलेगा।
हम लोग कोई जयपुर गए हो? कोई जयपुर कौन कौन गए हैं? हाँ बताओ तो जयपुर कौन कौन गए? एक दो व्यक्ति जयपुर गए, जरूर आप लोग जयपुर जाना और ठाकुर जी का दर्शन करना। देखो ये मदन मोहन क्यों चले गए कौरव में, बड़ी सुंदर कथा है। राजा मान सिंह था, जब उनकी बेटी राजकुमारी शादी के लायक हो गई, उनको तय किया शादी देने के लिए करौली में। देख बेटी, तेरे में दहेज रूप में जो दूंगा सो तो दूंगा, अगर तुम्हारी मन में कोई इच्छा हो तुम बोलो। बोले पिताजी, मैंने बचपन से ये गोविंद देव का, ये श्री मदन मोहन को मैं सेवा करती हूँ, इनके लिए ड्रेस बनाती हूँ, इनको स्नान कराती हूँ, इनको मैं भोग लगाती हूँ, इसलिए भले ही मेरे को कुछ दो और मत दो, मेरे को ये मदन मोहन दहेज रूप में दे दो। लेकिन ठाकुर का नाम ही मदन मोहन, बड़ा सुंदर ठाकुर जी। पिताजी बोले देख बेटी, मेरे पास में बहुत सारे ठाकुर जी है, तुम और कोई ठाकुर ले लो, लेकिन ये मदन मोहन को मत लिया करो। बेटी ने बोले पिताजी, तभी तो मैं शादी करूंगी जब दहेज में ये मदन मोहन दोगे। अभी बेटी और पिता में लड़ाई, बेटी कहती है तभी शादी करूंगी जब मदन मोहन दोगे, पिताजी कह रहे और कोई ठाकुर ले लो। अभी बेटी को तो शादी देना ही पड़ेगा। बोले देख बेटी, अगर ये मदन मोहन से तुम्हारी इतने प्रेम है, तेरे को मैं परीक्षा करके दूंगा। बोले क्या परीक्षा करोगे? बोले ये सारे ठाकुर को मैं लाइन करके खड़े कर दूंगा, बहुत सारे ठाकुर वहां पर, तुम्हारी आंखों के ऊपर मैं काला पट्टी बांधूंगा और तेरे में छोड़ दूंगा। तुम जा करके जिस ठाकुर को स्पर्श करते हुए बोलोगे मुझे यही ठाकुर दो, मेरे को वही ठाकुर दूंगा। बेटे बोले कोई बात नहीं। रात को सोते समय राजकुमारी बड़ी कृष्ण भक्ति थी। देखो कृष्ण भक्ति करने का कितना महत्व है, अगर दीर से अगर उनको सेवा करोगे ठाकुर जी क्या करते हैं देखो। अभी रात में जब वो विश्राम की ना, रो रो करके ठाकुर जी को प्रार्थना की। बोले ठाकुर, असली शादी तो मेरी तेरी साथ में हो गई, कहते ना ऐसे बर को क्या बरी और जन्मे और मर जाए, बर बरी और गोपाल दूजो चुड़ल अमर हो जाए। कहते ना आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बन। इसलिए कहते ठाकुर जी आप तो असली में आप ही मेरे हो, अभी तो ऊपर से शादी करना इसलिए मैं जा रही हूँ। पिताजी कहते हैं परीक्षा करके देंगे, हमें पता कैसे चलेगा अब मदन मोहन। जब वो राजकुमारी सो गई, ठाकुर जी स्वप्न में उसमें आए। बोले बेटी कोई चिंता मत कर, एक काम करियो। बोले बताओ। बोले आंखों में जो काला पट्टी बांध देंगे, तुम सब ठाकुर को शरीर में ऐसे हाथ लगा कर लगाना, और जब तुम मेरे पास में आओगी ना, ये बात को कोई नहीं समझेगा, तू समझोगे और मैं समझूंगा, मैं तेरे हाथ पकड़ूंगा, लेकिन ये जो कोई देखेगा, तब तू देखोगे मैं देखूंगा। अब फिर बोलना पिताजी मुझे यही ठाकुर दे तो मैं फिर चल पड़ूंगा। दूसरे दिन जयपुर के सारे जनता इकट्ठी हो गई, आज राजकुमारी की परीक्षा होगी, ये दहेज में कौन सा ठाकुर जी ले जाएंगे। सचमुच से उसने जब श्री मदन मोहन के पास आए, ठाकुर जी हाथ पकड़ लिया, उसको हाथ पकड़ लिया, लेकिन ये चीज को कोई नहीं देख रहा था, वो महसूस कर रहे थे ठाकुर जी मेरा हाथ को पकड़ कर रखे। बोले पिताजी मेरे को यही ठाकुर जी दे दो। राजा मान सिंह तो बोले कैसे पता चला इतने ठाकुर में यही मदन मोहन है? बोले बेटी तेरी जय हो गई और मैं पराजित हो गया, मैं फेल हो गया। ठीक है बेटी, यही ठाकुर तो एक करके दहेज रूप में जाओ। इसलिए वो ठाकुर जी जयपुर से चले गए करौली चले गए। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की, जोर से जयकार लगाओ। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। इसलिए श्री बज्रनाभ ने सारे ठाकुर जी को उन्होंने प्रकट किया, वृंदावन के सारे लीला स्थल उन्होंने प्रकट किया। एक दिन कृष्ण के जितने पटरानियां थी 16,108 पटरानियां, ये कृष्ण विरह में सबके सब दुखी है, लेकिन देखा है जो यमुना, ये कालिंदी बड़ी प्रसन्न है। बोले कालिंदी हम सबके सब कृष्ण विरह में दुखी है, लेकिन तेरे अंदर में कोई कृष्ण दुख क्यों नहीं है? बोले देखो राधा रानी के आशीर्वाद से मेरे को पता है
कृष्ण वृंदावन छोड़कर कोई नहीं गई, केवल राधा रानी की कृपा जिसको ऊपर में हो केवल वही व्यक्ति की अनुभूति कर सकते हैं। बोले भैया हम भी श्री राधा जी की चेली बनेंगे, हमें भी अनुभूति हो कृष्ण पूर्ण रूप में। बोले ये रहस्य कौन जानता है? बोले श्री उद्धव जी ये रहस्य जानते हैं। बोले उद्धव जी कहाँ मिलेंगे? बोले अभी भी उद्धव जी गिरिराज की तलहटी में कदे उद्धव कुंड के पास में घास बन के तपस्या कर रहे हैं। ये उद्धव जी को कृष्णा ब्रज में भेजे थे, इन्होंने ही ब्रजवासियों को सांत्वना दी थी, चलो हम सबके सब चलते हैं श्री उद्धव जी को पास में गिरिराज की तलहटी में। आप लोग कोई परिक्रमा लगाए गिरिराज की? कौन कौन गिरिराज की परिक्रमा लगाए? हाथ उठाओ तो गिरिराज की परिक्रमा कौन कौन लगाए? एक दो तीन व्यक्तियों ने लगाए। इसलिए बीच में से नार उद्धव कुंड आता है, बोले वहीं पर वो घास भर के तपस्या कर रहे हैं। बोले हम सबके सब चलो उन पास में। वहां पर गए और बड़े सुंदर वहां पर कीर्तन करते हैं। कीर्तन करते बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। जन्म की आपदा श्री राधा नाम तिजा, राधे राधे नाम को कि राधे राधे नाम को सपने हो जो मोहन सामिया गोविंद रघुंगी राधा धना विरज की कलिया राधे वृंदावन ने जन किया। कौन कौन जाएंगे वृंदावन? हाथ उठाओ, सभी लोग जाएंगे लगभग। तो देखो हम लोग तो मैं काल भोर का आता कि जहाँ हम लोग जाते हैं भजन नाचना सुनते, यहाँ कौन कौन नाचते हैं वो आ जाए जाते हैं। कौन कौन नाचते हैं यहाँ हाथ उठा के बता है? अरे कल तो नाच रहे थे, कौन कौन कल कोई नाच रहे थे ना, तो आ जाए वीडियो हो रहा है। कोई नहीं नाचेंगे तो भागवत की जो शोभा है ये केवल कीर्तन में नाचने का और थाली बजाने का कीर्तन की शोभा है। तो आ जाए जो नाचने के लिए आते थे ओ मेरे बोलो मुझे राधा राधा नाम
Tera 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 t
का कीर्तन प्रारंभ की, कीर्तन का प्रभाव से उद्धव जी वहां पर घास बनकर के तपस्या कर रहे थे। तब स्वयं श्री उद्धव जी प्रकट हुए। तब महेश्वर ने कहा, हे उद्धव जी, कृष्ण तुम्हें ब्रज में भेज करके ब्रजवासियों को सांत्वना दी थी। हम भी अभी कृष्ण विरह में बड़े दुखी है, अभी बताओ हमें कृष्ण मिलेगा कैसे। उद्धव जी ने कहा, देखो मैंने भी कृष्ण को यही प्रश्न किया था। जब कृष्ण ये दुनिया छोड़ करके जा रहे थे, मैंने भी एक ही प्रश्न की थी, लेकिन कृष्ण ने मेरे को एक रहस्य बात बताया। बोले बताओ, हमें भी बताओ। कृष्ण ने कहा, देखो हे उद्धव जी, मैं तो एक स्वरूप से ये दुनिया छोड़ करके जा रहा हूं, लेकिन कलयुग में दूसरे स्वरूप में रह भी रहा हूं। मैंने कहा, प्रभु जी, कलयुग में आप किस रूप में रहोगे जगत में? बोले, ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ देख रहे हो, ये कलयुग में ये भागवत ग्रंथ रूप में ये जगत में रहेगा। कलयुग में जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनेगा, ये भागवत कथा सुनना और वैसे मिलना कोई अलग नहीं। जो कथा सुन रहे हैं, वो कथा को माध्यम से मेरे को दर्शन कर रहे हैं साक्षात रूप में। इसलिए कल हमने आपको बताया था, जिस समय भगवान राम ये अयोध्या छोड़ करके जा रहे थे, सारे अयोध्या वासी तैयारी प्रभु को साथ जाने के लिए, लेकिन एक हनुमत लाल को देखा भाई। बोले, भाई हनुमान जी कहाँ गए? जो कभी प्रभु को कभी छोड़ते नहीं, आज वो कहाँ गए? देखा एक कोने में हनुमान जी बैठ करके भगवान का नाम जप कर रहे थे। भगवान राम ने कहा, हनुमान जी, सारा दुनिया अयोध्या छोड़ करके सांकेत धाम में जाने के लिए तैयारी, क्या तुम नहीं जाओगे? देख भगवान का कहते हैं, ठाकुर जी वहां क्या खरी कथा मिले? भगवान राम ने कहा, भैया जब मैं स्वयं साक्षात रूप में हुआ हूँ, पर ये कथा की जरूरत क्या है? हनुमान जी कहते, प्रभु आप जहाँ हो सकता है तुम्हारी कथा नहीं हो सकती है, लेकिन तुम्हारी कथा जहाँ पर हो रही है, वहां पर आप निश्चित रूप में, आप साक्षात रूप में वहीं रहोगे। इसलिए जहाँ कथा है वहीं पर आप हो। इसलिए बंगला में कहावत है, हरी कथा है, मतलब हरी कहाँ है? बोले हरी कथा है, हरी और कहीं नहीं, हरी भगवान कथा में है। इसलिए कृष्ण ये बात स्वयं बोल कर गए थे, भागवत कथा श्रवण के द्वारा ही कृष्ण प्राप्त होंगे। महेश्वर ने कहा, उद्धव जी फिर हमें ये कथा सुना। फिर उद्धव जी सुनो सरवर, उद्धव को हम लोग तो 7 दिन तक कथा सुनेंगे। उद्धव जी वहां पर 1 महीना उन्होंने महेश्वरों को कथा सुनाई। जब उन्होंने कथा सुनाए, ये कथा जब विश्राम हुई, साक्षात कृष्ण राधा रानी को लेकर के, सखियों को लेकर के, सखाओं को लेकर के, स्वयं भगवान कृष्ण ये भागवत ग्रंथ सही ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए हैं। फिर महेश्वर ने कृष्ण को दर्शन करते हुए उनके हृदय में जो कृष्ण विरह का दुख था, वो सारे दुख उनके समाप्त हो गए। तब श्री उद्धव जी कहते हैं, देखो मेरे गुरुदेव जो बृहस्पति मेरे को एक सुंदर कथा सुनाए थे। देखो ये भागवत कथा की कितने महत्व है। जिस समय भगवान कृष्ण ये दुनिया को सृष्टि की, उन्होंने 3 देवताओं को सृष्टि किया, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को बोले, तुम्हारा काम है सृष्टि करना। शंकर जी को बोले, तुम्हारी काम है संहार करना। और विष्णु को बोले, तुम्हारी काम है पालन करना। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु जी आपका आशीर्वाद से ये दुनिया को तो मैं सृष्टि कर सकता हूँ, लेकिन ये जो सृष्टि का काम, ये रजोगुण का काम है, ये रजोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिले? तब भगवान ने कहा, देखो अगर तुम ये 7 दिन तक भागवत कथा सुनोगे, फिर ये रजोगुण तुमको व्याप्त नहीं कर सकता है, और भागवत कथा के प्रभाव से वो दुनिया को तुम सृष्टि कर सकते हो। इतने में श्री भोले बाबा आए। बोले, प्रभु 4 तरह का लय है। जो आतंतिक लय, आतंतिक लय मतलब है जो ब्रह्मांड तक सबके सब नष्ट हो जाता है, और ये जो संहार का काम, ये तमोगुण का काम,
ये तमो गुण से मुझको मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले आप भी ये भागवत कथा सुनो और सुनाओ। जब श्री शंकर जी कथा सुनाते हैं, देखो शंकर जी कितने दिन तक कथा सुनाते हैं, बोले एक साल तक बढ़िया से व्याख्या करते हुए कथा को सुनाते हैं। लेकिन सुनने वाली कौन होती है? बोले मैया पार्वती स्वयं बैठ कर कथा सुनती है। जब शंकर जी की कथा समाप्त हो जाए फिर तो माँ पार्वती फिर कथा करती है। बोले कितने दिन तक मैया पार्वती कथा को समाप्त करते? बोले 2 साल। बड़े सुंदर व्याख्या करते हुए भागवत को हैं, बड़े सुंदर कथा सुनाते हैं। इतने में भगवान विष्णु आए, बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से ये दुनिया को तो मैं पालन कर सकता हूँ, लेकिन ये लक्ष्मी को मैं कैसे पालन करूं? बोले आप भी कथा सुनो और कथा सुनाओ। जब नारायण व्यास गद्दी पर बैठ कर कथा करते हैं, माँ लक्ष्मी कथा सुनती है। बोले 1 महीना तक वो कथा करते, अभी उनकी कथा समाप्त हो जाए तो माँ लक्ष्मी स्वयं बैठ कर कथा करती है और नारायण कथा सुन रहे हैं। बोले कितने दिन? बोले 2 महीने। देखो ये भागवत कथा से ही ये दुनिया का सृष्टि ब्रह्मा कर रहे हैं, ये भागवत कथा से ही दुनिया का संहार से शंकर जी कर रहे हैं, और ये भागवत कथा से दुनिया का जो पालन है भगवान विष्णु करते हैं। समझो ये भागवत कथा द्वारा ही वो दुनिया में जो कुछ हो रहा है ये भागवत कथा की प्रभाव से, इसलिए ये भागवत कथा साधारण नहीं है। और इसी को सुन करके ही हमारी भगवान का जो विरह है वो विरह इसी से ही दूर होएगा। कल आप लोगों को मैं कथा सुना रहा था, जो श्रोता है स्कंद पुराण में बताया 2 तरह का, आपको याद है किसको किसको? एक है श्रेष्ठ श्रोता और एक है कनिष्ठ श्रोता। मैं और 2 बार बोलना हूँ, बच्चे लोग सबको सब याद रखना, पूछूंगा ठीक है। कहते एक श्रेष्ठ श्रोता और एक है कनिष्ठ श्रोता, और जो श्रेष्ठ श्रोता हमारा तक 4 तरह का है। पहला नंबर हंस, जैसे हंस को दूध दो, जैसे वो दूध दूध पी लेता है और पानी पानी छोड़ देता है, ऐसे जो श्रेष्ठ श्रोता है वो सार सार को ग्रहण करता और असार को त्याग देता है। दूसरा नंबर है मधुमक्खी, जैसे मधुमक्खी हर फूलों को ऊपर बैठ करके केवल शहद शहद ग्रहण करता है, हमें उसी तरह जीवन में केवल सार सार को ही ग्रहण करनी चाहिए, असार को त्याग देनी चाहिए। तीसरा नंबर है मछली, जैसे मछली का आंख पलक कभी नहीं छपती है, बोले कथा कैसे सुननी चाहिए? बोले मछली जैसे, मतलब एक मन से कथा सुनो। मछली का पलक जो नहीं झपकती है, मन लगाकर टकटक लगाकर कथा सुननी चाहिए। और जो चौथा नंबर है बोले चातक, एक चिड़िया होता है वो किसी नदी का पानी पीता नहीं, किसी तालाब का पानी नहीं पीता है, जब बारिश हो वो स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है। मतलब है चातक जैसे हमें कथा सुननी चाहिए। एक समय कोई एक चातक गंगा किनारा में एक वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ था, एक ब्याघ ने उसको ऊपर तीर चलाया, जब तीर लगा वो गिरा तो गंगा पानी में, लेकिन वो मुंह बंद कर दिया, बोले गंगा पानी भी नहीं पिया। बोले क्यों? बोले पी कर मरूंगा तो वो केवल स्वाधीन का पानी पीऊंगा। इसका मतलब है चातक जैसे केवल स्वाधीन नक्षत्र का पानी पीता है, हमें भी कथा सुननी चाहिए तो ठाकुर जी की कथा सुने, इधर उधर दुनियादारी की कोई बात हमें नहीं सुननी चाहिए। ये 4 तरह का श्रेष्ठ श्रोता हो गए। बोले 4 तरह का साधारण श्रोता, कनिष्ठ श्रोता। पहला नंबर बोले गुरु, ये एक हिमालय में एक पक्षी रहता है, उसका एक स्वभाव है आप उसको जैसे सुनाओ वैसे आपको सुना देगा, लेकिन करते समय ना सर उल्टा करेगा, सुन भी लेगा और सुना भी देगा, लेकिन अपना जीवन में कुछ उतारेगा नहीं। जो दूसरा नंबर है ऊंट, ऊंट सुंदर सुंदर कोमल कोमल कोई पता दो वो नहीं खाएगा, वो ढूंढेगा बलू का पेड़ कहां पर है, जिसे हम कहते कांटा कांटा। मतलब जो भगवान की कथा नहीं सुन करके ये दुनिया की जो दुखमय कथा को जो सुनता है, कहती है कौन है ऊंट है। बोले तीसरा नंबर कौन है? बोले बैल, बैल सुंदर सुंदर फल दो
और उसका घास दो, भूसा दो, उसमें कोई फर्क नहीं समझता है, वो दोनों को ही बराबर मानता है। मतलब जो व्यक्ति भगवान की कथा हो नहीं तो दुनियादारी कोई कथा हो, दोनों को जो बराबर मानते हैं, कहते वो बैल है। और जो चौथा नंबर है बोले भेड़िया। एक छोटा बाघ होता है, ये हिरण के ऊपर में कब आक्रमण करेगा? जब वो हिरण कोई सुलीली शब्द सुनता है, बड़ा प्यारा शब्द सुनता है, उसका कान खड़ा हो जाता है और टकटक लगा करके वो कथा को सुनता रहता है, और उसी समय में ही ये भेड़िया उसके ऊपर में आक्रमण करता है। उसी तरह ऐसे कुछ कुछ श्रोता लोग होते हैं, वो स्वयं कथा तो सुनते नहीं और जो पास में बैठ कर भी जो कथा सुनते हैं उनको भी कथा सुनने नहीं देते। इसलिए कल मैंने बताया था, अगर कथा सुनना तो आप जिसको जानते हो ना कभी उसको पास में मत बैठा करो, आप जिसको नहीं जानते हो उसको पास में बैठा करो, क्योंकि अगर जानने वाले व्यक्ति को पास में बैठोगे ना बिना कारण से भाग जाओ। हाँ, कहते ये कौन भेड़िया है, कहते कथा कितने तरह का, चार तरह का कथा है, सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण। बोले सात्विक कथा, बोले एक महीना हो दो महीना हो कथा तो सुनते हैं लेकिन उसको बाद में फिर कथा से कोई मतलब नहीं रहा। बोले राजसिक कथा बड़ी ठाड़ बाड़ से कथा को आय बने थी लेकिन केवल व्यवस्था व्यवस्था में इतने बिजी रह गए, जो मूल है बैठ करके कथा सुनना वो कथा राजसी कथा है। बोले तामसी कथा, जैसे सात दिन तक कथा सुने, कभी बीच में आ गए, कभी मन नहीं लगा, एक चक्कर घूम करके आ गए, नहीं तो लास्ट में आ गए, किसी तरह से सात दिन को बिताना, इसको कहते तामसी कथा। ये कथा भी सही नहीं। बोले वास्तविक कथा क्या है? बोले वास्तविक कथा है जो अपना जीवन को ही संपूर्ण भगवान की भक्ति में बना दे, संपूर्ण अपना जीवन को प्रभु की प्रेम में अपना जीवन को लगा दे, रोज नियम करके गीता पढ़े, नहीं तो रामायण पढ़े, नहीं तो कोई सदग्रंथों को रोज अध्ययन करे, ठाकुर को सेवा पूजा करे, 24 घंटा में 24 घंटा उसको ऐसे लगे हम ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं, ठाकुर जी की हम प्रेमी करते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर ऐसे कोई अगर जीवन में कथा सुने तो कल हम बता रहे थे ये था नहीं सुन रहे हो, ये कल्प वृक्षों को नीचे बैठे, कल्प वृक्ष मतलब वो वृक्षों को नीचे बैठे करके आप जो कुछ मांगो वो वृक्ष आपको वही दे देंगे। अगर सात दिन कोई सही सही आप कथा सुनोगे, सात दिन का दर में ठाकुर जी से जो मांगोगे, कहते जो रोगी भागवत उसको निरोग देता है, जो निर्धन उसको धन प्रदान करता है, जो दुखी उसको सुख प्रदान करता है, मतलब सब कुछ भागवत कथा सब कुछ देने वाले हैं। इसलिए सात दिन तक एक मन से कि भागवत कथा को हमें सुननी चाहिए, भागवत सारी इच्छा को हमारी पूरी करेंगे। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। अभी जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये भागवत को प्रारंभ करते हैं, कहते तीन श्लोक में उन्होंने ये भागवत की मंगलाचरण की। बोले मंगलाचरण का मतलब होता है आप कोई भी काम करो, मंगलाचरण करते हुए वो काम करो, वो काम बहुत अच्छे तरह से काम संपन्न हो जाता है। ये जो भागवत का जो तीन श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, समझो ये तीनों श्लोक में ये पूरी भागवत है। जो पहला जो श्लोक है कहते ये ध्यान है। बोले जन्मादस्य जतोन्नया वितरतस्य स्वार्थी स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदा जो आदि कवये मुच्छति जत सूरयो तेजो वायु मृगा यथा विनिमयो जत्र त्रिसर्ग वृषा ध्याम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यग परम धीमहि। ये मंगलाचरण का पहला श्लोक ये ध्यान है। ध्यान मतलब कहते भागवत का इष्ट कौन है,
अभी के श्लोक ऊपर में अलग अलग टीकाकारों का अलग अलग मतवाद है। अभी जो जिस देवता को पूजा करते हैं, जो शंकर जी को पूजा करते हैं, बोले भैया भागवत का इष्ट शंकर है। जो माँ देवी को उपासना करते हैं, देवी में लगा दिया। जिसको जिसको उपासना करते हैं, ये श्लोक को उसको ऊपर लागू कर दिया। लेकिन श्री बल्भाचार्य कहते हैं, बोले नहीं, ये श्लोक केवल श्री कृष्ण के लिए, बाकी बिहारी के लिए। क्योंकि जो परम सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य को ध्यान करते हैं, वो परम सत्य कौन है? श्री बांके बिहारी है। बोले आपने कैसे बता दिया बांके बिहारी? बोले जब भगवान कृष्ण देव की गर्भ में आए, वो 33 करोड़ देवता एक साथ में गर्भस्तुति, वो गर्भस्तुति का जो पहला श्लोक है, बोले सत्यम व्रतम सत्य परम त्रि सत्य सत्य सोनीच सत्य सत्य सत्यामृत सत्य नेत्री सत्यात्मक शरण प्रपद्ये। ये 33 करोड़ देवता ये बात को कह रहे हैं। ब्रह्मा शंकर नारद आदि, बोले वो परम सत्य कौन है? बोले श्री भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि परम सत्य है। इसे क्या होता है? बोले जन्मादस्य जतः, इनकी इच्छा से यानी सृष्टि स्थिति प्रलय। अभी कथा सुन रहे थे ना, इनकी इच्छा से ब्रह्मा जगत को सृष्टि करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं और विष्णु जगत को पालन करते हैं। जिन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के हृदय में ये सारे तत्व ज्ञान को जिन्होंने स्फुरण कराया। बोले बांके बिहार की ऐसे माया है कृष्ण की। बोले मुझ्झन्ति जत सुरयो, बड़े बड़े देवता भी जिनकी माया में मोहित हो जाते हैं। हम आगे जाकर के सुनेंगे जहां ब्रह्मा स्वयं कृष्ण के बछड़े और सखा को चोरी करवाए। जब इनको पता चला भैया ये वाक्य भी आई साधारण नहीं, फिर ब्रह्मा भी जिनके चरण में ना कर गए। आगे सुनेंगे इंद्र जिनकी माया में मोहित हो गए, इसलिए इंद्र 7 दिन तक बारिश बरसाए। जब पता चला ये कृष्ण कौन है, तो जिन्हें कृपा करके हमें ये इंद्र बदल दिया, इंद्र भी जिनकी चरण में आकर के माफी मांग, और जहां पर 33 करोड़ देवता एक साथ में मोहित होंगे। बोले कब? बोले एक दिन कृष्ण द्वारका में अपना रानियों के साथ में कृष्ण बैठ गए। एक दिन नारद जी गए थे स्वर्ग में, वहां से एक पारिजात का फूल लेकर के आए और कृष्ण का हाथ में पकड़वा दिया। बोले कृष्ण ये रानियों में तुम जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हो ना, ये फूल इसलिए दो। कृष्ण ने देखा कहां ये आगे झड़ लगा दी, क्योंकि कृष्ण जब रुक्मिणी को पास में रहते हैं, कहते रुक्मिणी तेरे को मैं जितने प्रेम करता हूँ और दुनिया में किसी को ना प्रेम नहीं करता। जब सत्यभामा को पास में प्रभु रहते हैं, बोले सत्यभामा मैं तेरे को जितने प्रेम करता दुनिया में और किसको प्रेम करता। ठाकुर जी सबको कहते मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। बोले नारद जी आगे लड़ाई लगाने के लिए, इतने में नारद जी बोले जल्दी जल्दी दो प्रभु, मेरे पास में समय नहीं। इतने में कृष्ण ने किया क्या, सबसे बड़ी रानी रुक्मिणी, उन्होंने फूल को रुक्मिणी का हाथ पकड़ पकड़ा दिया और वहां पर सत्यभामा थी, ये राधा रानी के अंश से आए। इतने में सत्यभामा इतने दुखी हो गई, प्यार पटकती हुई हां सीधा सभा से चली गई और जाकर के सीधा मान भवन में लेटी गई। कृष्ण ने कहा देखो नारद जी कैसी लड़ाई लगाती। इतने में कृष्ण जाकर के सत्यभामा को शरीर में हाथ लगाते हैं ना, उन्होंने हाथ को फेंक दिया। बोले आप जैसे ऊपर से काले हो अंदर में भी काले, आपने सबके सामने मेरे तो नाकान कटवा दिया। आप कहते थे सत्यभामा तेरे को मैं जितने प्रेम करता हूँ दुनिया में और इतना प्रेम किसको करता नहीं, अब पता चले क्या किसको ज्यादा प्रेम करते हो? कृष्ण ने कहा सत्यभामा एक फूल के लिए इतने दुखी हो रहे हो, रुक्मी को तो मैंने एक फूल प्रदान की, तेरे लिए तो स्वर्ग से वो पानी का वृक्षों को मैं उखाड़ करके ले आऊंगा और तेरे घर के सामने लगा दूंगा। बोले ज्यादा बोलो मत, जो एक फूल नहीं दे सके वो कहते पारिजात वृक्षों को उखाड़ करके ले आए। अब दादा झूठ मत कहा करो, बोले देखना चाहते, बोले क्या दिखाओ? बोले चलो मेरे साथ में। बोले चलो कृष्णा सत्यभाव को लेकर के स्वर्ग में गए। अरे इंद्र जी से प्रार्थना किए, बोले एक मेरे को पारिजात वृक्ष दे दो। बोले क्या, स्वर्ग का तो इसलिए इतना महत्व है और स्वर्ग में ये पारिजात वृक्ष है, अगर यहां से अगर वृक्ष मरते जाते में चला गया तो स्वर्ग का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, हम कोई वृक्ष नहीं देंगे।
कृष्ण ने कहा तब तो फिर अपना पराक्रम उन्हें दिखाऊंगा। बोले क्या दिखाओगे? कृष्ण अपना पराक्रम को दिखाते हुए उन्होंने वृक्ष को लेने के लिए गए और एक साथ में 33 करोड़ देवता एक साथ में कृष्ण को विरोध में उन्होंने लड़ाई की। प्रारंभ में भगवान अपना चक्र को निकाले, गरुड़ ने सबको उन्होंने प्रहार करके उन्होंने सबको परास्त कर दिए और देखते देखते उन्होंने पारिजात वृक्ष को उन्होंने उखाड़ लिया और गरुड़ को पीठ पर रखे और ला करके मरते जगत ने सत्यभामा को घर सामने वृक्ष को बोल दिया और सत्यभामा इतने खुश हो गई, इतने खुश हो गई। फिर उन्होंने सारे रानियों को निमंत्रण दिया, बोला हम मेरे घर में आओ। बोले क्यों? बोले ये बात समझो, कृष्ण रुक्मिणी को केवल एक फूल दे दिया, ये मत समझो कृष्ण रुक्मिणी को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। देखो उसको तो केवल एक फूल दिए, मेरे लिए उन्हें स्वर्ग से वृक्ष उखाड़ कर लिया है। देखो मेरे घर में वृक्ष है, मतलब कृष्ण मेरे को सबसे ज्यादा कृष्ण मेरे को प्रेम करते हैं। इसलिए कहते मुझ्झन्ति जत सुरयो, भगवान की ऐसे माया में सारे देवता भी जिनकी माया में मोहित तो हो जाते हैं। कहते ऐसे कौन है? बोले श्री बांके बिहारी जी, हम सब इनकी चरण में प्रणाम करते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। लेकिन जो रस्सी की टीकाकार हुए कहते भैया क्या केवल कृष्ण को प्रणाम करते ना और किसको? बोले नहीं, केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं करते हैं, उनको साथ में से राधा रानी को प्रणाम करते हैं। इसलिए आप वृंदावन में गए हो, आप देखे होंगे वृंदावन तो बांके बिहारी रहते हैं, लेकिन वहां पर देखना कोई भी कृष्ण कृष्ण वहां नहीं बोलते हैं। वृंदावन में सबके सब किसकी नाम लेते हैं? किसका नाम लेते हैं? हर जोर से बोलो, और जोर से देखो पीछे वाले बोल रहे हैं, जोर से बोलो। वृंदावन में सबके राधा जी के नाम लेते हैं, क्यों? वहां पर कृष्ण का नाम क्यों नहीं लेते? ये कृष्ण स्वयं कहते हैं, बोले रास शब्द कुर्बन तस्मात् ददामि भक्ति उत्तमम्, धास शब्द कुर्बत पश्चात धावि श्रवण लोभान। ये स्वयं बांके बिहारी कहते हैं, अगर कोई रा अक्षर बोल दे मैं तो चिंता में पड़ जाता हूँ भैया, उसको मैं दूर किया क्योंकि मेरी राधा जी की राखर उच्चारण की। बोले राखर की इतने महिमा है, कहते विश्व ब्रह्मांड में उनको कुछ देने के लिए मेरे पास रह नहीं जाता है। कृष्ण कहते मैं खुद को दे देता हूँ, आज समय तेरा हो गया। अगर कोई राधा दो अक्षर उच्चारण कर दी, कृष्ण कहते पश्चात धावी श्रवण लोभा, वो राधा नाम को सुनने के लिए मैं उसको पीछे 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 चलने लगता हूँ। इसलिए हम लोग एक भजन सुने होंगे, बोले राधे राधे रचो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रचो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रचो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रचो चले आएंगे बिहारी।
पहला श्लोक में कहते जुगल की उपासना करनी चाहिए, अकेले कृष्ण भक्ति नहीं करनी चाहिए, कृष्ण को साथ में श्री राधा रानी को उपासना करनी चाहिए। इसलिए वृंदावन में कोई एक रसिक संत थे, उन्होंने एक सुंदर श्लोक लिखे जिसका अर्थ था मैं तो श्याम रंग में रंगी, मतलब कृष्ण रंग में मैंने रंग दिया। अभी ये श्लोक बड़े बड़े रसिक संतों के पास में गया, सब लोग सुन करके बड़े वाहवा किए, बोले वाह बड़ा सुंदर पद्य है। लेकिन एक वृंदावन में संत थे जिनका नाम था श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, बड़ी रसिक संत थे, उनको साथ में पास में जो पद्य पहुंचा उन्होंने एक सुंदर श्लोक लिख करके भेज दिया। देखो वो श्लोक क्या है, बोले अनाराध्य राधा पदा भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तद अटवी असंभाष तद भाव गंभीर रचिता उतः श्याम सिंधु रस श्याम। देखो संत क्या कहते हैं, बोले कहते हो भैया कृष्ण भक्ति रस में तुम शराब हो गया, अगर कृष्ण भक्ति रस को पाना चाहते हो तीन चीज की जरूरत है। बोले कौन सा तीन है, बोले अनाराध्य राधा पदा भोजने, बोले जब तक श्री राधा रानी की चरण की धूल का आश्रय ग्रहण नहीं करते हो। बोले दूसरी चीज क्या, बोले राधा रानी की चरण को तो अंकित श्री वृंदावन धाम को जब तक आश्रय नहीं ग्रहण करोगे। अब सबसे बड़ी चीज है राधा जी की प्रेम भक्ति रस में जो संत है, जो सराबर हुए संत है, जब तक उन्हीं के चरण का आश्रय ग्रहण नहीं करोगे भैया कृष्ण भक्ति तो बड़ी दूर है। वो टेढ़ी टांग तीन जगह से टेढ़े है ना, इसलिए उनकी भक्ति भी बड़ी टेढ़ी फिरी है। लेकिन वो टेढ़े जो टांग वाले तभी संतुष्ट हो जाते हैं जब तक किसी राधा जी के चरण में कोई आश्रय ग्रहण करते हैं। इसलिए वृंदावन में जाओ तो सबके सब क्या बोलते हैं, सबके सब क्या बोलते हैं, सबके सब श्री राम लेते हैं। बोले श्रीमती राधा रानी, बोले मंगलाचरण की जो दूसरी श्लोक है प्रतीक्षा। देखो ये भागवत कथा भी कितने भागवत है, जैसे हमारे श्री गिरिराज कुमारी दीदी कथा कर रही है, गिरिराज कुमार दीदी जैसे भागवत कथा करवा रही है। अभी आप लोग कथा भी नहीं आए, अभी घर में बैठे हो, पता चला यहाँ कथा हो रही है। अगर इसकी मन में इतनी मात्र इच्छा हो जाए भैया मैं भागवत कथा में जाऊंगी नहीं तो कहीं जाऊंगा, केवल इतनी मात्र इच्छा होते ही बोले सद्य हृदय अवरुद्ध अत्र कृति ही सुश्रुषुभित तत्क्षणात्। केवल इच्छा मात्र सही ठाकुर जी उसकी हृदय में आकर के ऐसे फंस जाते हैं जैसे एक व्यक्ति अपनी आप को एक घर में घुस करके अंदर से कुंडी बंद करा दे, ऐसे ही ठाकुर जी उसका हृदय में आकर के बैठ जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। बल्कि इसके हृदय में केवल थोड़ी सी इच्छा करे हम भागवत कथा सुनना चाहते हैं, भैया सचमुच अगर कोई कथा में आकर बैठ जाए उसकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते हैं। कितने पुण्यात्मा है, एक जन्म नहीं करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य जब उदय होता है तभी ये भागवत कथा में कोई बैठ सकता है, एक जन्म की नहीं। इसलिए ये भागवत ये प्रतिज्ञा करता है धर्म प्रजीत कैतव अत्र, ये भागवत ग्रंथ में शुद्ध भगवान की जो निर्मल भक्ति जो प्रेम की जहाँ पर यह निरूपण की गई है ये प्रतिज्ञा है। बोले भागवत तीसरे श्लोक में ये उसका आशीर्वाद देते हैं, बोले भागवत क्या आशीर्वाद दे रहा है, बोले निगम कल्प तरूर गैतम फलम सुखा मुखात अमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मोहरा हो रसिका भूमि भावुका। कहते भागवत हमें ये आशीर्वाद देता है आप जो कुछ ये भागवत से मांगो पूरी दे देगा। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो एक अच्छी बात है, कहते भागवत है नहीं ये कल्प वृक्ष, हमारे गुरु जी कथा सुनाते थे, बोले भैया कल्प वृक्ष का मतलब क्या, बोले जो मांगो वही मिलेगा। बोले एक समय को एक राजा जंगल में भ्रमण करते करते राज्य से बहुत दूर तक चले गए, शाम हो गया थक गए और एक वृक्ष को नीचे बैठे गए
उनको पता ही नहीं था ये वृक्ष कल्प वृक्ष है। अभी की मन में इच्छा हो रही है, अगर मैं राजमहल में होता तो दासी इतने सुंदर सुंदर जूस हमें पिला, इतना इच्छा करते वो था कल्प वृक्ष, उनको पता ही नहीं था। देखा स्वर्ग से बड़ी सुंदरी सुंदरी अप्सरा उतर गई, कहा बोले महाराज लो ये जूस पिया गया, बोले भैया तो ये जूस मिल गई। फिर सोच रहा है अगर राजभवन होता तो मेरे को छापा न भोग व्यंजन सुंदर सुंदर मेरे को खाना मिल जाता। इच्छा होते ही देखा स्वर्ग से अप्सरा उतर कर कहा बड़े सुंदर छापा न भोग और छत्री से व्यंजन सामने जो वो ही जाता। फिर इच्छा किया अगर मैं राजभवन में होता तो कितने सुंदर मखमलबल कपड़े, हाँ कितना सुंदर वहां पर खटिया होता, सुंदर पलंग होता जिसको पर सोते देखते थे अपनिया पर। जब सोने जा रहा था वो था जंगल, उसने सोचा भैया तो घना घोर जंगल, यहाँ तो शेर बाघ रहते होंगे, भैया बाघ भी आ जाए। इच्छा करते तो बाघ आ गए, बोलिए बाघ मेरे को खा नहीं जाए, इतने में झपट मार तो खा गया। देखो इसलिए बोले जो भागवत ग्रंथ है ये कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे वही देगा, लेकिन गंदी चीज नहीं देगा। जैसे बाघ खा गया ना ये चीज देने वाले नहीं, क्योंकि भागवत ये हमारी माँ है। माँ मैया जैसे बच्चे का हर समय कल्याण चिंता करती है, बच्चा कभी अकल्याण नहीं करती है, ये भागवत हमारी कल्याण चिंता करती है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात कहते हैं, बोले भागवत से जो मांगोगे तो मिल जाएगा, जो मांगोगे साथ दिन में। लेकिन वो कहते हैं अगर ये दुनियादारी चीज मांगोगे ना ये तो आसानी से मिल जाएगी, लेकिन ये आसानी से तो मिल जाएगी लेकिन ये चीज भागवत का असली फल नहीं। असली फल क्या है, बोले भगवान की भक्ति भगवान का प्रेम। जो चीज पाने पर इसी जीवन में भी सुखी रहेंगे, इसको बाद में तो सुखी सुखी रहेंगे। अब देखना जैसे एक बच्चा रोता है, क्यों रोता है, वो चाहता है मैया मेरे को गोद में ले, लेकिन मैया क्या करती है उसको खिलौना देती है, उसको खिलौना देती है, उसको चॉकलेट देती है। अगर बच्चा अगर उसमें मान गया ना फिर मैया गोद में ले लेती है, लेकिन जो बच्चा चॉकलेट देने पर नहीं मानता, खिलौना देने पर भी नहीं मानती है, फिर क्या करता है भैया उसको गोद में उठा लेती है। तो उसी तरह ये भागवत हमें वंचना करने के लिए कोशिश करेगी, ये दुनियादारी चीज को दे करके। अगर इससे नहीं मानोगे ना फिर ठाकुर जी हमें अपना गोद में ले लेंगे, मतलब जन्म मृत्यु दुख कष्ट से चिरकाल के लिए हमें मुक्त करा के अपने चरण में हमें ठाकुर जी चरण का स्थान दे देंगे। इसलिए भागवत ये कल्प वृक्ष है, हमारे जीवन का सारे इच्छाओं को भागवत हमारी पूरी कर देगी। बोला श्रीमद् भागवत ग्रंथम की जय जय श्री राधे। बोले निगम कल्प तरुण गीतम फलम, बोले जो श्रीमद् भागवत है तो ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है, जिसमें कोई छिलका भी नहीं, जिसमें कोई गुठली नहीं, केवल जिसमें रसी रस है। इसलिए क्या करो उसको खूब पियो, ये भक्ति रस को खूब पान करो। बोले भैया कब तक पान करेंगे, बोले आलयम, जब तक पी पी करके तुम बेहोश नहीं हो जाते हो। जैसे कि शराब पी, कब तक शराब पीता है, शराब पी पी कर जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता तब तक पीता है। उसी तरह ये कथामृत को पान करते 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 जब तक तुम बेहोश नहीं हो जाते हो तब तक पान करो। बोले फिर जब होश आएगा बोले फिर पियो। ये कथा को छोड़ना नहीं, हर समय कथा को पीते रहो पीते रहो। बोले भैया पीते तो है लेकिन सब निकल जाती है, ये रहती नहीं टिकी नहीं, सब निकल जाती है। फिर क्या करनी चाहिए, देखो आपसे एक प्रश्न करता हूँ, ये प्रश्न को मैं देखता हूँ कौन उत्तर दे पाता है, ध्यान देकर के प्रश्न सुनो। जैसे एक घड़ा है जिसमें छेदी छेद है, अगर उसमें पानी डालोगे तो क्या होगा, सारे पानी निकल जाएगी। लेकिन ऐसे क्या उपाय है, भले ही घड़ा में जितने छेद क्यों नहीं हो अगर उसमें पानी डालोगे ना एक बूंद भी पानी निकलने वाला नहीं। आप लोग बता सकते हो ऐसे कौन सा उपाय है, घड़ा में जितने छेद क्यों नहीं हो लेकिन पानी नहीं निकलेगा, बता सकते हो क्या करना चाहिए। इसलिए यहाँ इसका उपाय बताए, मुंह रहो
जैसे घड़ा को अगर किसी पानी में डुबो दो, घड़ा को किसी पानी में डुबो दो फिर क्या होगा? फिर पानी निकलेगा, अगर पानी डालो तो निकलेगा। उसी तरह हमारी अंदर में तो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, हमारी अंदर में तो भरा पड़ा हुआ। कहते अगर नित्य निरंतर हम ये भगवान की कथा सुनते रहे, कथा रस में डूबे रहते रहे ना, भले ही तुम्हारे जितने अंदर में काम क्रोध क्यों नहीं हो, लेकिन ये काम क्रोध तुम्हारे कुछ नहीं कर सकता है, बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं भगवत कथा में डूबे रहो। जैसे देखो, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे सब अंदर में काम क्रोध लोभ है, लेकिन होने पर भी अभी क्या काम हमें सता रहे, ना क्रोध सता रहा है, ना लोभ सता रहे, बोले क्यों? हम भगवान की कथा नहीं बैठे। अगर नित्य निरंतर उसमें डूबे होगे ना, फिर तुम्हारे कुछ होने वाले नहीं। इसलिए कहते हैं, बोले भैया ये कथा कौन सुन सकता है? बोले सुश्रुषु ही। कथा को वही सुन सकते हैं जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ। कोई बोलेगा हम तो ऐसे कोई पुण्य किया ही नहीं, हम तो जीवन में पाप ही पाप किए हैं, फिर क्या कथा रस में डूब नहीं सकते? बोले नहीं, अगर कथा सुनोगे ना, सुनते 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 अपने आप सारे पाप खत्म हो जाएंगे, एक दिन हम अपने आप पुण्यात्मा बन जाएंगे। इसलिए कथा में डूबे ही रहो, कथा से कभी हमें निकलनी नहीं चाहिए। तथा ये भागवत हमें ये आशीर्वाद देती है, बोले ओम नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे ऋषयः स्वर्णगादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशतममासत। बोले एक समय जब ये घोर कलयुग आया, ये स्वर्णगाद ऋषियों ने पितामह ब्रह्मा जी को पास गए। बोले पितामह ब्रह्मा जी ये घोर कलयुग आ गया है, ये घोर कलयुग में क्या स्थिति है? बोले प्राप्ते कलयुगे सबके सब लोग दुराचार रता सज्जे सदाचार में मस्त हो जाएंगे, सारे को सारे पाप कर्म में अपने आप उनकी रुचि पाप कर्म में रहेगा, पुण्य में इनकी रुचि रहेगी नहीं, सबके सब दुराचार हो जाएंगे, दूसरे वस्तु में नजर रहेगा, कैसे इनकी वस्तु को हड़प लिया जाए, भाई की भी बहन की सारे वस्तु कैसे हम हड़प ले, उनको स्वाभाविक रूप में बुरे कर्म में इनकी मति गति रहेगी इनकी। इसलिए घोर कलयुग में हम ये कलयुग से बचे कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा कोई चिंता मत करो, मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, वो चक्र जहां पर गिरेगा समझना वो स्थान अत्यंत पवित्र स्थान, वहीं पर बैठ के भजन करो, पर ये कलयुग तुम्हारे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। वो चक्र जा करके गिरा नभिसारण में, नभिसारण में कोई गए हो? कौन कौन गए? कोई नहीं गए। कौन कौन जाना चाहते हो बताओ? अब सब चले चले, कौन कौन जाना चाहते हैं? कहते हो जो नभिसारण में है जहां पर एक निमिष भी बर्बाद नहीं होता है, जब वो चक्र गिरा पाताल में चला गया, अब हर समय वहां से पानी निकलती है। वहीं पर स्वर्णगाद ऋषि लोग बैठ करके बड़े दिनों से यज्ञ और तपस्या कर रहे थे, लेकिन मन में शांति नहीं मिल रहा था। एक दिन भगवत इच्छा से वहां पर श्री सुतो गोस्वामी आए, उनको देख कर उन्होंने उनको चरण धोए, चरणामृत लिया, उनको आश्रम में बैठा कर बोले हे सुतो गोस्वामी, आप गुरु जी के आशीर्वाद से कृपा से ये जितने वेद पुराण उपनिषद का अपने अध्ययन किया है, सारे शास्त्र का जो निचोड़ है अब सब जानते हो, अभी आप कृपा करके बताओ कि कलयुग में बोले प्राण अल्पाय सभ्य कला बस्मी मंद भाग्य उपद्रुता। कलयुग में प्राय करके सबका आयु बहुत कम है, सत्ययुग में कितने साल जिंदा रहते थे? बोले 1,00,000। आप लोग सुने होंगे हिरण्यकश्यप ने 60,000 साल तपस्या की, कोई 10,000 साल तपस्या करते थे, इतने साल तक तपस्या करते थे, लेकिन जब आ गया त्रेता युग,
एक लाख से एक शून्य हटा दो कितना रह जाएगी, एक लाख से एक शून्य रहेगी, रह गया 10,000। ये तृतीया युग का ब्रह्मांड था। जब द्वापर युग आ गया फिर 10,000 से एक शून्य हटा दो कितना हो जाएगा 1,000। द्वापर युग में परमाणु हो गया 1,000। फिर जब कलि युग आ गया फिर 1,000 से एक शून्य हटा दो कितना रहेगा 100। कलि में परमाणु हो गया 100। लेकिन जब धीरे 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 कलि युग आती रही है ना, फिर 100 से और एक शून्य हटा दो कितना होगा 10। कलि युग में वर्णना आया है भविष्य पुराण में, लोग धीरे 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 ऐसे उम्र कम होते होते जाएगी, एक दिन उम्र कितना हो जाएगी 10 साल रह जाएगी। हैं बैगन पेड़ से भी वो बैगन ही तोड़ नहीं सका है, इतने छोटे छोटे लोग सब हो जाएंगे। भले ये कलि युग में 100 साल रह गया उम्र, अभी कोई 100 साल जिंदा नहीं रहे क्योंकि सब चीज हाइब्रिड से बन रही है, उल्टा सीधा चीज से। अभी कोई 100 साल में 70-80 साल में राम नाम सत्य हो जाता है, इसलिए कहते हैं प्रायण अलवायु से सभ्य फिर मंदा सुमंद मते हो। बोले कलयुग जीव का बुद्धि कैसे थे, बोले बहुत खराब बुद्धि, वो स्वाभाविक रूप में देखना गंदे काम में जाता है और कहीं भक्ति में लगा उसको जोर जबरदस्ती लगाना पड़ता है, ये सहज में ये मन प्रभु के भजन में नहीं जाती है। फिर अभी आ गया इंटरनेट मोबाइल है फ्री टीवी, ये सब तो आकर के फिर दुनिया को फिर ज्यादा ही बिगाड़ दिया। स्मार्टफोन आ गया है, देखो पहले पहले लोग क्या करते थे, आगे बड़े बूढ़ों के लोग क्या करते थे, सवेरे उठ करके नहा धो करके गीता पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, भगवान की माला जप करते, लोग यही काम करते थे ना पहले। इसलिए देखो जो इंडोनेशिया आप नाम सुने होंगे, ये एक मुसलमान कंट्री है, उनको देश में लोग रामायण पढ़ते हैं और भारत से बड़े बड़े संतों को लेकर के वहाँ रामायण कथा सुनाते। बोले क्यों वो रामायण कथा क्यों सुनते हैं, बोले इसलिए हमें बच्चों को ऊपर में अच्छे संस्कार पड़े। जैसे भगवान राम सवेरे उठ कर क्या करते हैं, बोले प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पितु गुरु न महिमा। भगवान सबसे पहले उठ करके पिताजी की माता जी की गुरु जी के चरणों में पहले प्रणाम करते थे, पहले प्रणाम करते थे। रामायण में मुसलमान लोग कहते हैं हमारे घर के जो स्त्रियां हैं ना बेटी बहू सती करें, इसलिए रामायण पढ़ने से ये शिक्षा मिलती है। बोले क्यों, बोले आपको रामायण कथा पता होगा, जिस समय एक धोबी नहीं गई थी अपना पीहर में, वो आता हो गया रात, रात हो गया तो एक नदी उसको पार करना पड़ता था। अभी रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी, शाम हो गई थी, केवट ने पर नदी पार करना मना कर दिया, मतलब नदी पार नहीं करा सकती, उसको मजबूरी में एक रात केवट के घर में रहना था। जब उसने दूसरे दिन आई, उसको पति ने पूछा पिछली रात को तुमने कहां बिताई, बोले ऐसे ऐसे हो, बोले मैं राम नहीं हूं जो को सीता रावण उठा कर ले गया और वापस आए तो प्रभु राम ने क्या किया अपने घर में रख लिया, मैं राम नहीं हूं, जिस घर में तुमने एक रात बिताई ना उसी घर में जा वहीं पर रहो। लेकिन सीता को रावण ने उठा करके नहीं ले गया, वो छाया वो सीता थी नहीं है। इसलिए भगवान हमारी भारत के बेटी और बहू लोग सती रहे, इसलिए भगवान राम सीता को त्याग, बेटी बहुओं को सती तो रक्षा करने के लिए, मतलब भगवान इतने शिक्षा दिया। इसलिए इंडोनेशिया में मुसलमान लोग कहते हैं हम इसलिए रामायण को पढ़ना चाहते हैं हमारी घर की बहू और बेटी सती बन जाए, असत्य बने नहीं। कहते भाई भाई में कैसे मित्रता होगा, ये रामचंद्र शिक्षा दिए। देखो भरत ने उन्होंने वर मांगी, कैकेयी ने वर मांगी, मेरा बेटा भरत 14 साल के लिए राजा बनेगा, राजगद्दी में 14 साल के लिए राम जाएगा वनवास। लेकिन देखो भगवान राम अपना पितृ आदेश को पालन करने के लिए, आदेश पालना करने के लिए राम क्या हुए, उन्होंने 14 साल तक भगवान वनवास गए। क्यों, पिता माता की सेवा बच्चे कैसे करे, पिता माता की जो आदर्श है उनकी सेवा कैसे बच्चे करे, और भाई भाई में कैसे प्रेम होनी चाहिए, हैं भाई भाई में हमारी कैसे प्रेम होनी चाहिए।
चाहिए। रामचंद्र वनवास गए तो श्री भरत जी भी ऐसे जटाजुटों को धारण करते हुए ऋषि के चरणों में बलकल बह करके उन्होंने सज्जा भूमि को और उन्होंने सहेल की। मतलब भाई का प्रति कितने प्रेम है, इसलिए इंडोनेशिया कहते हैं, इसलिए हम राम कथा सुनने के बुलाते हैं। हम यहाँ से भक्तों को हमारी भाई भाई में प्रेम हो, बहू बहू में प्रेम हो, बच्चे लोग भी सवेरे उठ करके पिता माता की सेवा करें, हमारी लड़कियां बहुएं सबके सब सती बन करके रहे। इतने शिक्षा हमारी ये ग्रंथ में, इतने शिक्षा है, इतने शिक्षा। लेकिन ये इंटरनेट मोबाइल और स्मार्टफोन आपको ज्यादा पता होगा, सब दुनिया को ये बिगाड़ रहा है, ये दुनिया को बिगाड़ रहे हैं। आपको कहीं गंदी काम करने के लिए कहीं सीखने की जरूरत नहीं, बस टीवी खोल बोल भैया गुंडागिरी बदमाशी चोरी डाकू लड़कीबाजी सारे वहीं पर सामने, अपने आप सब अपने आप घर में सीख जाओगे, कहीं जाने का जरूरत नहीं। इसलिए कहते हैं मंदास मंद मतयो, कलयुग का जो जीव है का मन बहुत मंद मती है। देखो मैं रसिया जाता हूँ प्रचार करने के लिए, रसिया में वहां पर हमारे कुछ भक्त लोग बड़े गुरु जी कुछ भक्त लोग हैं, वो लोग सरकार से लड़ाई कर रहे हैं, हम लोग ये साड़ी पहनी करके हम क्यों कॉलेज नहीं जाए, वो सरकार से लड़ रहे हैं, हम साड़ी पहन करके क्यों नहीं जाए कहाँ तक कॉलेज में नहीं जाए। लेकिन हमारे भारत में लड़कियां कहती हम जीन्स पहन करके क्यों कॉलेज नहीं, मतलब इतने आप वृंदावन कभी आओ वहां पर मंदिर है, इसको मंदिर है, आप देखो कि वहां की लड़कियां विदेश की लड़कियां कैसे सर पर कपड़ा ढक रही, तिलक लगाए, कले में कंठी माला और सबके सब भागवत पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं और रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं। आप आश्चर्य हो जाओगे, इनके छोटे छोटे बच्चे इतने सुंदर मृदंग बजाते हैं, इतने सुंदर कीर्तन करते हैं, सोच नहीं सकते। ये अंग्रेजी लोग पहले भारत में आए थे, यहाँ के धन लूट कर गए, फिर अंग्रेजी लोग आए हैं और सारे हमारे ग्रंथों को लूटने के लिए, मतलब गीता भागवत इसी शिक्षा को लूटने के लिए अभी अंग्रेजी लोग आए हैं। इसलिए बच्चों के ऊपर में हमें अच्छे संस्कार डालने चाहिए। हमारा जो गीता है रामायण है, मैं गया था जयपुर में कथा करने के लिए, मैं आया था एक मुसलमान छोटे बच्चे 5 साल का बच्चा था, मैंने कहा तेरे को कुरान आता है, उन्होंने छाती फूला कर बोला हाँ मेरे को कुरान आती है, मैंने कहा सुना तो कुरान, उन्होंने झटाझट कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। मैं कहा भैया तुम्हारे घर में कितने उम्र ये कुरान पढ़ाई जाती है, बोले कंपलसरी हमारे धर्म में 2 साल उम्र में बच्चों को कंपलसरी कुरान पढ़ाया जाता है, कंपलसरी उनका धर्म है। लेकिन हमारे बच्चों को कोई गीता का श्लोक पूछो बोल सकते हैं, लेकिन कोई हीरो हीरोइनी का नाम पूछो सारी याद है, देखो ना सारी गंदी चीज को याद करके बैठे हुए हैं। लेकिन हमारी गीता रामायण को पढ़ने के लिए कोई राजी नहीं, आप सोच नहीं सकते। देखो आपको एक सही घटना सुना, हमारी कथा में कितने शक्ति, आप सही घटना सुना था, आप इस्कॉन का नाम सुने होंगे जो भगवान सनातन धर्म का प्रचार करते। एक समय अमेरिका में एक व्यक्ति प्लेन जब उतरा वहां पर इस्कॉन के भक्त लोग गीता बांट रहे थे अमेरिका में, करके 10 लोग लाइन में खड़े हुए थे, तब जब उनको कोई गीता दिया वो अमेरिका के कोई व्यक्ति थे बोले नहीं नहीं चाहिए, जो फिर दूर और एक व्यक्ति भी गीता बांट रहा था बोले गीता लो, बोले नहीं चाहिए, और थोड़ी दूर गए और एक व्यक्ति गीता बांट रहा था बोले गीता लो, नहीं, उसने खरिया कितना बार नहीं नहीं करो कि गीता ले लो, $2-3 दे करके उसने जी गीता ग्रंथ ले लिया। उस सोचा बेकार ग्रंथ है इससे पढ़ना क्या है, उसने अपना ड्रा में रख लिया वो गीता ग्रंथ को, नॉट डिप्रेशन में आ गया, तो डिप्रेशन में आ गया, सोचा आज मैं आत्महत्या करूंगा, आज मैं आत्महत्या करूंगा, अभी तैयारी है वो आत्महत्या करेगा। इतने जिस ड्रा में उसका बंधु था, सोचा बंधु से मैं आत्महत्या करूंगा, जब उसने ड्रा में हाथ बढ़ाया वो बंदूक नहीं आ करके ना, वो ड्रा में था भगवत गीता, इतने में वो भगवत गीता उस ग्रंथ में आ गई। देखो गीता क्या ग्रंथ है, वो गीता ग्रंथ उसको हाथ में आया, इतने में वो गीता ग्रंथ को खोला, देखा इसमें क्या लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ था कि जो आत्मा है न जायते न मृयते अजो रिक्त शाश्वत पुरा, ये जो आत्मा है ये मरने वाली आत्मा नहीं,
इसका जन्म नहीं, इसका मृत्यु नहीं, इसकी है कोई जला नहीं सकते हैं, पवन हवा उसको सुखा नहीं सकते हैं। ये शरीर केवल एक वस्त्र है, जैसे एक वस्त्र पुराण होने पर हम उसको छोड़ करके एक नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह ये जो आत्मा है केवल एक शरीर को त्याग दे करके वो केवल दूसरे शरीर में गिर जाती है। ये आत्मा अभी स्वर्ग तक शाश्वत है। इतने में उसको बाद में श्लोक में लिखा हुआ था, हे अर्जुन अगर जीवन में तू परम शांति पाना चाहते हो, कहते तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात् परम शांति। अगर तू परम शांति अगर जीवन में पाना चाहते हो हे अर्जुन, तू मेरे शरण में आ। ये दुनिया का कोई वस्तु तुम्हें शांति दे ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले रावण का नाम सुने होंगे, लंका जैसे की संपूर्ण सोने की लंका, हम कितने पैसा कमा सकते हैं? रावण जैसे कमा सकते हैं जिसका घर ही सोने सोने। उसी पत्नी कैसे? बोले मंदोदरी। बोले मंदोदरी का मतलब क्या है? उदर मतलब था कमर, मंद मतलब पति, उदर बड़ी पतली दिखती है। वो विश्वकर्मा की लड़की, वो विश्व सुंदरी थी, बेटा जैसे मेघनाद जैसे बेटा उसकी, साधारण नहीं मेघनाद जैसे बेटा। जिस समय आप लोग रामायण देखे होंगे, जिस समय हनुमान को मेघनाद लेकर गया, उसका ऐश्वर्य को देखकर कर आश्चर्य हो गया। ऐश्वर्य को देखकर करके देखा हनुमान जी को पिता उसको घर में झाड़ू लगा रहा है, पवन उसको घर में झाड़ू लगा रहा है, अग्नि देवता को देखा उसको घर में कपड़ा धुलाई कर रहा है, नारद जी को देखा बिना रहे, ब्रह्मा जी को देखा उसको घर में उसको वेद पाठ सुना रहा है, और काल को देखा उसको प्यार के नीचे काल को दबा कर देखा हुआ। आप लोग रामायण देखेंगे होंगे, जब हनुमान को नागभास बंधन में बांध कर ले, जितने देवा देवी जिस नवग्रह सोम मंगल इनको तो अपना घर में बांध कर उसने रहा, सबसे वो हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे थे, हनुमान जी हमें मुक्ति प्रदान करो, यहाँ से हमें मुक्ति प्रदान करो, इतने ऐश्वर्य उसको अंदर में था। लेकिन रावण जैसे व्यक्ति भी वो सुखी नहीं था, लंका में वो सुखी नहीं था, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति केवल सुखी था। बता सकते हो एक व्यक्ति को सुखी था?